सो है दोस्तों, एकता कपूर ने एक और नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया अपने एल्ट वाले जी के ऊपर। तो जाइए 100 का नोट फेंक के मारी और देख लिए बेकाबू सीजन 2। जी हाँ, बेकाबू सीजन 2 आ चुका है। इससे पहले सीजन 1 भी आया था जिसने काफी कमाल करा। क्या कमाल था वो भी हम बता दें। स्पेशलिटी क्या होती है एकता कपूर की वो तो आप जानते हो, यानी कि कपड़ों को उतार दिया जाए, फाड़ दिया जाए, फेंक दिया जाए, बस शरीर से दूर करना है क्योंकि गर्मी ज्यादा है, क्योंकि इन सीरीजों को देखने के बाद वही हाल आपका होने वाला है। तो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो स्टोरी पे आएंगे, ज्यादा स्पॉइलर नहीं फैलाएंगे। देखो स्टोरी क्या थी, पहला अगर आपने सीजन देखा है तो दो लड़की होती है, एक लड़के को दबा के लूट लेती है, उनका नाम होता है करण, अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, मतलब जो भी नाम था ठीक है। तो भाई अब करण का बदला लेने अर्जुन तो आएगा ही आएगा, तो इसके अंदर बस कहानी को बदल दिया है। अब अर्जुन आया, अर्जुन उन दो लड़कियों से नहीं, नई दो लड़कियों से बदला लेने आया है, ठीक है जी। कैसे पहली लड़की की बात करें तो भाई ये राइटर है जो कि एक रोमांस थ्रिलर राइटिंग वगैरह ये सब करती हैं, और साथ में भाई इन्हें विश्वास है इक्वलिटी का। जी हाँ, ये नहीं मानती लड़का क्या होता है लड़की क्यों होती है, क्योंकि भाई इन्हें अपनी प्यास बुझानी है, बिस्तर पर लड़का हो या लड़की किसी के साथ भी रंगरली बना ही लेती हैं। अब दूसरी लड़की की बात करें तो दूसरी लड़की है भाई इस बार को चलाने वाली मालकिन। जी हाँ, इस बार को चलाने वाली ये मालकिन है, और जितनी ये झंडू यानी कि बातें करती हैं उससे भी झंडू इनके सीन है। जी हाँ, आपको बता दें जितनी गंदी बातें की उससे खतरनाक तो इन्होंने सीन कर डाले हैं इस फिल्म के अंदर। फिल्म क्यों कह रहा हूँ मैं भाई साहब, ये फिल्म ही है जो बना दी है वेब सीरीज़ की एक तरीके से, क्योंकि भाई आप देखोगे फिर आएंगे अर्जुन साहब, अर्जुन कहेंगे भाई मुझे लेना है अपने भाई करण का बदला, तो करण का बदला लेने के लिए अर्जुन हाजिर हो चुके हैं। तो भाई वेब सीरीज़ के अंदर ये दिखाया, 10 पार्टों के अंदर आपको ये दिखाया। और सबसे पहले बात करूँ कि आपको ये देखने चाहिए ना देखने चाहिए, तो भाई देखो मज़ा आपको आएगा 100%, क्योंकि एल्ट वाले जी की स्पेशलिटी जानते हो, एल्ट वाले जी पे मूवी में एक चीज़ आता है जैसे स्टोरी से मतलब नहीं होता, जिसे किसी और ही चीज़ से मतलब होता है यार। यहाँ बस स्टोरी के अंदर ये है, और ये 10 पार्ट में दिखाया गया है कि कैसे आप कामासूत्र का सही प्रयोग करके एक वेब सीरीज़ भी बना सकते हो। जी हाँ, वो 3 घंटे की कामासूत्र फिल्म थी और ये 10 पार्ट की कामासूत्र फिल्म है जिसे वेब सीरीज का नाम दे दिया गया है, और बता दिया गया है एकता कपूर ने कि भैया इसे कहते हैं असली कामासूत्र। तो आपको बताओ इसके अंदर अगर माइनस देने होते हैं ना मुझे स्टार रेटिंग के अंदर, तो भाई मैं माइनस का नामो निशान मिटा के इसके अंदर ऐसी चीज नई चीज का ना विकास, मतलब कि नई चीज़ का यार एक साथ आविष्कार करता और वो इसे दे डालता है, यानी कि ये तो माइनस देने लायक भी नहीं है। तो जो भी आपका मन करे देख सकते हो, मत देखिएगा, मैं कुछ नहीं कहूँगा, एक सजेशन जरूर दूंगा यार, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा किस किसने देखी बेकाबू और कौन कौन हुआ है या नहीं, और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर मुझे फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय यार। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो।